हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हो आप लोग सभी अच्छे हो। आज मैं जैसलमेर में जिस हॉस्टल पे रुका था उसका नाम था मोस्टाच हॉस्टल। हॉस्टल का वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हॉस्टल के वीडियो देखते हैं। बाहर से हॉस्टल कुछ ऐसा दिखता है। ये हॉस्टल पहले होटल था, इसका नाम था राशलीला। बाद में इसको मोस्टाच हॉस्टल बनाया गया है।
इंडिया में जहाँ जहाँ पे मोस्टाज हॉस्टल है सब जगह की तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे डेजर्ट सफारी के गाइडलाइन है। यहाँ पे हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपना सामान रख के बाहर घूमने के लिए जा सकते हो। अभी मैं हॉस्टल के छत पे हूँ और छत से जैसलमेर फोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। शाम के टाइम पे अब अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। रात में मैं ये वीडियो इसलिए शूट किया क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था रात में हॉस्टल कैसा दिखता है। थैंक यू सो मच। ये मेरा भाई जमशेद है। अगर आप इस हॉस्टल में रहते हो तो आपको 24 घंटे हेल्प करने वाले यही होंगे। बहुत ही प्यारा इंसान है। रात में हॉस्टल की छत से जैसलमेर फोर्ट और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप हॉस्टल में पर्सनल रूम बुक करते हो तो यहाँ पे दो टाइप का रूम आपको देखने को मिलेगा। ये है टाइप वन। ये है वॉशरूम।
ये भी एक पर्सनल रूम है, लेकिन इसका डिज़ाइन पहले वाले रूम से थोड़ा अलग है। अगर आप डोम में रहना चाहते हो तो इस तरह आपको 6 बेड का डोम मिलेगा। मैंने booking.com से ये हॉस्टल बुक किया था, पर डे का मुझसे लिया गया था 360 रुपीज़। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? यही था मोस्टाश हॉस्टल का टोटल वीडियो। जैसलमेर के ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है, जैसलमेर में कहां कहां पे घूमने की जगह है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, नीचे लिंक पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।